आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, होली का पर्व 7 और 8 को मनाया जाएगा। 7 तारीख को रात में होलिका दहन होगा। पंडित जी से बात हुई हमारी, जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बताया कि राशि के अनुसार आप होलिका दहन में यदि लकड़ियों का उपयोग करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो आइए हम आपके साथ इस बात को शेयर करते हैं कि राशि के अनुसार कौन सी लकड़ियों को होलिका दहन में हमें उपयोग करना चाहिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि के लोगों से। मेष राशि वाले जातकों को होलिका दहन के समय खैर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। आप जानते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि वाले जातकों को होलिका दहन के समय गूलर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। आप बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को होलिका दहन के दिन अपा मार्ग की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों को होलिका दहन के दिन पीपल की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन पीपल की लकड़ी का उपयोग करते समय क्षमा अवश्य मांगें, क्योंकि होलिका दहन में जनरल में पीपल की लकड़ी का उपयोग करना मना है। आइए अब जान लेते हैं सिंह राशि के लोगों के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों को होलिका दहन के दिन खैर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के बारे में जानते हैं। कन्या राशि वाले जातकों को होलिका दहन के दिन अपा मार्ग की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं तुला राशि के लोगों के बारे में। तुला राशि वालों को होलिका दहन के दिन गूलर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को होलिका दहन के दिन खैर की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आप जानते हैं धन राशि के बारे में। धनु राशि वालों को होलिका दहन के दिन पीपल की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की जातकों की। कुंभ राशि वालों को होलिका दहन के दिन खैर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। और अंत में जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों को होलिका दहन के दिन पीपल की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। एक बात का ख्याल रखें कि पीपल या जो भी पूजनीय वृक्ष हैं उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करने से पहले उनके उस वृक्ष से आज्ञा लेनी चाहिए और उनकी पूजा करते हुए क्षमा प्रार्थना करके ही उनका उपयोग करना चाहिए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी हमारी किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।